सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी रितुल मेरे लिए पैक करा है गोल गप्पे। देखिए गेट पे आया है बेचने, तो लिए हमने। दोस्तों अब जीतू बनाएंगे एक्स्ट्रा टेस्टी। अब उसमें डालेंगे धनिया और अनियन और दो ग्लास पानी है और इतने गोलगप्पे हैं, तो अभी खाएंगे। अभी बहुत अच्छे लगते हैं, हम तो खा के वहाँ से आते हैं मार्केट से, जब देखो बराबर जब भी सब्जी लेने कुछ लेने आते हैं तो। और अभी हुआ है सुबह, नाश्ता वास्ता कर लिए थे, थोड़ा सा सोए हैं, आराम कर कर के काम करते हैं दोस्तों। और ये पैसे बचे हुए तो अब खाएंगे, फिर नहा धो के फ्रेश होंगे तब खाना बनाएंगे। ये बाबू में क्या खाना है? हेलो गुड मॉर्निंग, छवा हो गई? गप्पे खा रहा है। अरे आ जाओ बाबू, क्या कर रहा है? अरे 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 तो कितने टेस्टी लग रहे हैं। इनमें हरा धनिया काट के और चटपटे से एकदम बनाए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मटर भी खूब खूब भरी है। इधर है मीठी चटनी और इधर है ग्लास में पानी। लाओ खिलाओ दो। ये कौन लाया? थैंक यू बोलो पापा को। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं घर में आई थी तो टाइल वाइल कुछ नहीं लगा था, अब देखिए टाइल लग गया है, ऊपर भी बन गया है, छत बहुत अच्छी लगने लगी है यहाँ। तो भाई जी ने बनवा लिया है जो मेरे मकान मालिक हैं। और मैं हाफ रही हूँ, पता है दोस्तों मेरा 7 मंथ प्रेगनेंसी का चल रहा है। और मैं कपड़े धोने आई हूँ छत पे, कपड़े बहुत सारे हो गए थे, 2 दिन से धुले नहीं थे, तबीयत सही नहीं थी इसलिए। तो देखिए मैंने इतने कपड़े भी बचे हैं धोने को और इतने धो लिए हैं, इधर इतने सारे धुल गए। अभी पानी निकालना है तो मैं पानी का निकाल के और ये रस्सी बंधी है तो इस पर डालेंगे। ये देखिए रस्सी बंधी है तो इस पर डालेंगे दोस्तों। और शेंग के पीछे अपना फ़ोन देख रहा है, चारपाई पड़ी थी तो उस पर बैठा दिया है, तो फ़ोन देख रहा है। तो चलिए दोस्तों हम कपड़े फिर फैला के अभी चलते हैं नीचे नहा कर। ये इतने सारे कपड़े हमने धो लिए हैं, अभी इतने रह गए हैं धोने को दोस्तों। तो आज हम ऊपर आए हैं छत पे कपड़े धोने। दोस्तों नहाए हैं ऊपर से, शैंकी को दे दी है मिठाई, शैंकी खा रहे हैं और अभी हम लेटे हैं। और दोस्तों बहुत ज़्यादा थक गए हैं नहा धोकर, बहुत सारे कपड़े थे धोने को तो नहा धोकर ऊपर सब फैलाए हैं, अभी लेटे हैं आराम करें, बहुत थक गए हैं दोस्तों। ये है नेक्स्ट डे, तो जीतू ने शैंकी के बाल मतलब सेट करवाए हैं तो ये बहुत रो रहे थे, देखिए आप लोग। सो दोस्तों मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ और करवा चौथ के बाद से मेरी तबीयत कुछ परेशान हो गई है, मतलब थोड़ा ठीक नहीं है तबीयत, तो इसलिए बस 2 दिन से ऐसे 2-3 दिन से कोई मेहनत नहीं करी, ना तो कोई वीडियो बनाया, तो छोटी छोटी सी क्लिप ली है दोस्तों, सो आपको दिखाएंगे। और अभी हम खाना बनाने जा रहे हैं, देखिए मैंने कट करके रखा है, इधर देखिए गोभी काटी है, ये आलू गोभी है, इसमें नीचे आलू है और यहाँ पे टमाटर काटा है और इधर लहसुन प्याज है और इधर थोड़ा धनिया रखा हुआ है। मम्मी, मम्मी, हाँ बेटा, इधर शैंक की बाबू है, तो टॉयज चाहिए हैं, शॉपिंग करने चलोगे? कितने सारे टॉयज खरीदोगे? बहुत टॉयज हैं इसके पास, ठीक है। और इधर देखो क्या हो रहा है, रेनबो वाली लाइट जल रही है कमरे में, ये शैंकी जो महाराज हैं हमारे,
उन्होंने बल्ब लगवा रखा है, ये देखो। तो इसको बहुत अच्छा लगता है ये वाली लाइट। तो दोस्तों अभी चलिए खाना बना लेते हैं, 6 बज गए हैं और थोड़ी देर में जीतू आते होंगे, तो चलिए बनाते हैं। और कल ना मेरे चोट लग गई थी, देखिए दोस्तों कितनी खरोच आ गई, ये देखिए यहाँ पे और कोहनी में भी लगी, मैं जीने से गिर गई थी तो चोट लगी और पूरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। हालांकि संगी के पापा ने ना टूप लगाया हमारे, मालिश भी करी थी हाथ में और बोला आज पानी से मत भिगोना, लेकिन थोड़ा बहुत तो छूना ही पड़ेगा ना पानी, क्योंकि काम करना पड़ता है इसलिए दोस्तों। तो चलिए ठीक है अभी खाना बना लेते हैं। और अभी ना ये सिल से मुझे पीसना पड़ेगा लहसुन और प्याज और अदरक, इसमें मिक्स करते हैं, थोड़ी डालते हैं ये अदरक है। तो ठीक है लहसुन प्याज अदरक और इसको पीसते हैं और फिर बनाते हैं सब्जी, बनी रही है वीडियो में। और दोस्तों देखिए ना स्टूल पर बैठ के मैं काम करती हूँ, किस तरीके से स्टूल मेरा पड़ा रहता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि खड़े नहीं हो मिलता है ज़्यादा देर तक दोस्तों इसलिए। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज अदरक को पीस लिया है जल्दी से फटाफट, और अब जो है सिलौटी को मैं इधर धुल के रख दूँगी और फटाक से जल्दी से सब्जी छौंकूँगी। और सब्जी छौंकने के बाद फिर उधर शैंकी की दूध बनाया मैंने, यही सब करने लगी थी और जो भी हो सकता है जल्दी जल्दी ऐसे ही कर लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी सांस बहुत फूलती है, अब मैं परेशान हो जाती हूँ, खड़े होकर मेरे से काम भी नहीं होता है दोस्तों। और अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, देखिए कितना मेरी सांस फूल रही है इतनी देर में मैं खड़ी होकर जैसे लहसुन प्याज पीसा था। तो अब बनाते हैं। सो दोस्तों शैंकी यहाँ पे पानी मांग रहा है, कह रहा मुझे गरम वाटर दे दो मम्मी, उसके बाद दूध की डिमांड करेगा। तो बस ये मुझे खाना जब मैं बनाती हूँ तो ऐसे ही डिस्टर्ब करता रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है मेरा छुटकू मुटकू सा बाबू, और अच्छा लगता है, अगर ये ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप लोग ठीक हो? अच्छे लोग। तो मैं पटाखे लाया हूँ, वो ज्यादा नहीं रखता है। दिखाओ पटाखे दिखाओ, ये है डिब्बी में पटाखे, यहाँ पे दोस्तों ये शैंकी लाया है जिद करके, और अभी लाया है चिप्स, तो चिप्स खा रहा है, जल्दी से चिप्स खाओ, पहले चिप्स खाओ फिर दगाना पटाखे। और दोस्तों मुझसे कह रहा है शैंकी, मम्मी दिखा दो मैं पटाखे लाया हूँ, और सब लोगों को दिखा दो, वीडियो बना दो मेरी। ये खुद ही मेरे से बोल रहा है शैंकी बाबू, है ना, तुम्हारी वीडियो बना दे। ओके वीडियो बना दे, बना रहे। अरे चिप्स तो खा लो, अरे भाई चिप्स तो खा लो, लो ये थोड़ा, अरे खा लो पहले, ये दिखा रहा है निकाल कर देखो इस तरीके के होते हैं पटाखे, यहाँ पे पटाखे। पटाखे दबाए जोर से, पटाखे दगाए जोर से, लो चिप्स तो खाओ और दोस्तों को खिलाओ, और दोस्तों को हैप्पी दिवाली मम्मी को खिलाओगे, थैंक यू। दोस्तों अभी शैंकी दगाएगा, और दोस्तों को बताओ ये भी हम लेकर आए थे, ये पापा ने दिलाया था रात को, इसमें बबल्स निकलते हैं ना बेटा, क्या निकलते हैं? बबल निकलता, इसमें बबल्स निकलते हैं, ये पापा ने दिलाया था शैंकी को। शैंकी बहुत जिद्दी हो रहा है, कुछ भी बोलता है तो ले लेता है फिर वो। ओ कितनी कसकस के दग रहे हैं। और दगाओगे? और बाई दबाएंगे, ठीक है भाई दगाएगा। ये देखो चटाचट लग रहे हैं। कितने सारे दगा दिए हैं। और दबाए? दगाओ उठाकर लाओ, अभी दबाए, यहीं पे दबाए, दगाओ। अच्छा ओ जी।
उठा कर लाओ। ये दगाया। ते 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 ते